हेलो फ्रेंड्स एंड फूडीज, दिस इज आशीष एंड आई वेलकम यू टू एक प्लेट मुंबई। आफ्टर अनलॉक ये मेरा सेकंड एपिसोड बाहर खाने जा रहा हूँ और ऐसी चीज खाने जा रहा हूँ जो अब तक मैंने स्ट्रीट फूड पर नहीं खाई है, शायद घर पे बनाई है लेकिन बाहर नहीं खाई है। सो वो क्या है, कहाँ पर है, लेट्स फाइंड आउट। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ स्पॉट पे जिसका नाम है डैडीज मोमोज। ये है विरार वेस्ट में गोकुल टाउनशिप और विरार का बेस्ट मोमो स्पॉट है जहाँ पर आई एम ऑलरेडी टेम्पटेड गाइस। यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी है मोमोज की और मैंने सुना है यहाँ के क्या सुना है यहाँ का क्या फेमस है जल्दी ही जानते हैं। सो गाइस चेक आउट द स्पॉट। सो गाइज आपने देखा ही होगा कितना टेम्पटिंग लुक है इसके मोमोज का। सो गाइज अब बारी आती है मेरे फर्स्ट राउंड की और आई एम गोना फाइंड आउट वो कौन सा मोमो है जो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ। लेकिन आज मोमोज मेरे साथ खाने के लिए मेरे साथ आए हैं मेरे फ्रेंड नीलेश। सो हाय नीलेश। हेलो। सो आज हमारे साथ नीलेश है और वो फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक मेरे साथ खाने वाला है। राइट राइट, सब खाएगा। देखते हैं मोमो कितना पसंद है। मोमोज हर किसी को पसंद है, मुझे थोड़े कम पसंद है लेकिन आज अगर अच्छे लगे तो शायद वो मेरे पसंद वाली लिस्ट में आ जाएंगे। पता है क्या खाने वाले हम लोग अभी, कौन सा मोमो खाने वाले हैं? अभी कौन सा खाने वाले हैं? चलो तो ये अभी देखते हैं, जो ये देंगे हम वो फर्स्ट राउंड खाने वाले हैं। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन। तो गाइस हमारा फर्स्ट राउंड आ चुका है जो कि है स्टीम्ड मोमोज। यहाँ पर है चिकन मोमोज, यहाँ पर है वेज मोमोज। तो हमारे रेड सॉसेस और मेयोनीज आ चुका है, हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसा है हमारा फर्स्ट राउंड। सो चीयर्स। चीयर्स। कैसा है? नाइस। स्पाइसी? नॉट स्पाइसी? सबके लिए है। सबके लिए है। बहुत ज्यादा स्पाइसी है। परफेक्ट है। परफेक्ट बहुत अच्छा चटपट है। मैं जब जैसे इसने कहा कि ज्यादा स्पाइसी नहीं है और ज्यादा नॉर्मल भी नहीं है, इट्स न्यूट्रल। मेरे हिसाब से वेज वाला बहुत अच्छा था। इसके जब तक तीन खाके हो चुके हैं, मेरा एक खाके हो चुका है, तो 3:1 का रेशियो चल रहा है। लेकिन बहुत अच्छा था गाइस। इसमें था कैबेज, इसमें था कैरेट, इसमें था कांदा चिपात, इसमें था चिकन, इसमें था चिकन। सो गाइस पांच तरह के वेजिटेबल्स पड़ते हैं इस छोटे से वेज मोमो में और उतने बड़े मोमो में सिर्फ चिकन पड़ता है। तो यहाँ पे वेज नॉन वेज का बैटल नहीं है लेकिन दोनों भी बहुत अच्छे थे। तो वेरी ऑनेस्टली फर्स्ट राउंड वाज रियली नाइस। तो अभी अगर फर्स्ट राउंड इतना अच्छा है तो नेक्स्ट क्या होगा। सो लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। तो गाइस मेरा सेकंड राउंड आ चुका है आफ्टर द फर्स्ट राउंड जो कि था स्टीम मोमोज जो कि बहुत ही डिलीशियस थे गाइस। और अब हम खाने वाले हैं हमारा सेकंड राउंड जो कि है रेड तंदूरी मोमोज। अभी इसमें डिफरेंट क्या होने वाला है, क्या लगता है? कलर तो ऑब्वियसली रेड है, मुझे लगता है थोड़ा स्पाइसी होगा। कलर के हिसाब से स्पाइसी होना चाहिए एक्चुअली, है ना? तो लेट्स फाइंड आउट वो कैसा है। तो एज ऑलवेज मेरे पास है मेरा दुख भरा वेजिटेरियन गोल छोटा सा रेड मोमो और इसके पास है चिकन मोमो। तो हम लोग ट्राई करने वाले हैं कैसा है। आई होप थोड़ा स्पाइसी हो। कैसा है ये? कुछ अलग है। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, वो तो उसके बारे में बता दिया गाइस। फर्स्ट से बहुत अलग है, इसका मैरिनेट का फ्लेवर अलग है, तंदूर का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है मेरे को। वो जो ये स्मोकी है जो यहाँ पे बर्न पार्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। जिसने कहा कि फाइव अभी इतने से मोमो में पांच तरह की सब्जियां है यार, उसमें सोया चंक्स का क्रश है, आई लाइक कैरेट है, कैप्सिकम है, फ्रेंच बीन है या मिर्ची है। So, बहुत अच्छा है यार। और उसपे ना कुछ चाट मसाला है शायद, वो इतना अच्छा लग रहा है उसके ऊपर जो उसने वो स्प्रिंकल किया है इसमें से। क्या अच्छा, ये तो रेड चटनी है राइट, रेड स्पाइसी चटनी है। ये मेयोनीज़र, ये इन लोग का खुद का होममेड जो है, तो ये मुझे ये भी ज्यादा अच्छा लगा, वही बेटर है राइट। डेफिनेटली ये फर्स्ट से ज्यादा अच्छा था, फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड पक्का अच्छा था। तो हाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कलर के हिसाब से, जो है व्हाइट के हिसाब से रेड तीखा था तो वो हुआ एंड नाउ इट्स डन। तो सीरियसली अब थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेशन और बढ़ गया है। सो लेट्स गो फॉर द थर्ड राउंड।
सो फाइनली मेरा थर्ड राउंड आ चुका है आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक. एक्चुअली सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में अच्छा खासा ब्रेक था. यहाँ पे कस्टमर्स बहुत सारे हैं, भीड़ ढेर सारी है. भले ही हम सेलिब्रिटीज हो, यूट्यूब स्टार्स हो, लेकिन फिर भी हम उसके कस्टमर्स हैं और वेट तो हमें करना ही था. तो वेट करने के बाद हमारा थर्ड राउंड आ चुका है जो कि है तंदूरी येलो मोमोज. तो उसका कलर बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ वो फूड रेड वाला, ये कुछ अलग लग रहे हैं. आपने देखा ही होगा क्लोज में क्या मस्त लग रहे हैं वो. अब मुझे वेट नहीं हो रहा, सो अब लेट्स फूड पढ़ो. सो मैं मुझ बेचारे के यहाँ दो पीस है, उनके चार पीस है चिकन वाले. सो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट बाइट तो एज ऑलवेज मैं बिना सॉस के, फर्स्ट बाइट बिना सॉस के ले उसका ओरिजिनल फ्लेवर. ये जो स्मोकी धुआं आ रहा है कड़ा गया. चीयर्स. बहुत अच्छा टेस्ट आया, स्मोकी है. ओके, जो चिकन खाने वाला बंदा है वो कभी टेस्ट का खाने में जोर नहीं पड़ेगा. वेरी ऑनेस्टली मैं बहुत ही कॉन्शियस था, सोच रहा था कि मोमोज मुझे पसंद नहीं है, कैसा लगेगा. बट दिस इज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस मेरे लिए. इसका चाट मसाला बहुत अच्छा है, इट्स नाइस. ये एक कॉमन चीज आ रही है हर तीनों राउंड में, इट इज. और स्पेशली ना हम लोग इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. यस इनका ये वाला जो मोमो है ना, मोमो नहीं बोल रहा हूँ सॉरी, इनका जो ये मेव है ये होम मेड है. ये यहाँ पर ये खुद बनाते हैं. और ये जो है ये बाहर वाला है जो आपको हर मार्केट में हर शॉप में मिल जाएगा. ये वाला होम मेड वाला इनका मेव डबल डबल टेस्टी है. इनके सारे मोमोज घर पे बनते हैं, इनके घर पे बनाते हैं ये लोग, हाफ कुक करके लाते हैं यहाँ पर. और यहाँ पर ये उसको जो है तंदूर करते हैं और स्टीम करते हैं. जो 20% स्टीमिंग होता है वो यहाँ पर करते हैं. So, मेरा फोर्थ राउंड है आफ्टर इट इज द टाइम फॉर तंदूरी मलाई मोमो. यस सो मैं कंफ्यूज था कि हाँ मलाई तंदूरी मोमो, तंदूरी मलाई मोमो, मोमो मलाई तंदूरी व्हाटएवर. लेकिन जो भी है बहुत ही टेम्पटिंग है. ये लुक वाइज अब तक का सबसे ज्यादा टेम्पटिंग है आफ्टर रेड. इसका लुक काफी अच्छा है. इस पे जो है मलाई का मैरिनेशन मैं दिखाना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा है. मतलब इसलिए पूरा व्हाइट है, उसके ऊपर ग्रीन का जो एक अच्छा सा जो है स्प्रिंकल है, चाट मसाला है. सो इट इज रियली लुकिंग नाइस. और इन्होंने इनका जो मलाई का मैरिनेट है जो मोमो पे लगाते हैं ये तंदूर के बाद वापस रिजल्ट किया है. सो आई एम क्वाइट क्यूरियस कैसा लगता है. यू टू. लेकिन इसका एक प्रॉब्लम उसने मुझे ब्रेक में बता दिया था कि उसको मिल्क प्रोडक्ट्स इतने नहीं पसंद. सो लेट्स फाइंड आउट कि उसको पसंद आता है या नहीं आता है. सो इट्स टाइम फॉर हाथ काफी मैसी होने वाला है खाते वक्त, लेकिन खाने के लिए कुछ भी बनता है. चीयर्स. चीयर्स. कुछ स्पेशल है सीरियसली. मतलब वो जो थे वो रेड येलो स्टीम चाट मसाला मैरिनेशन वो सब था, लेकिन अगर आपको कुछ अलग ट्राई करना है, समथिंग यूनिक, समथिंग क्लासिक, समथिंग हटके, यहाँ पे आइए, जरूर ये वाला मोमो ट्राई करना, विच इज तंदूर मलाई मोमो. लेकिन एक चीज है, इसके सारे वेज मोमोज में जो स्टफिंग है, ये कहता है 5 सब्जियां हैं, गाजर है, कैप्सिकम है, कैबेज है, सोया चंक्स का जो वो है, हर चीज का फ्लेवर. ऐसा नहीं कि सोया चंक भर दिया है, सब्जियां दिख नहीं रही है, सब कुछ दिख रहा है और बहुत अच्छे फ्लेवर आ रहे हैं. मसाले भी जो यूज किए क्लासिक है गाइस. ऐसा नहीं लग रहा कि स्टफिंग के पीछे कुछ. राइट एग्जैक्टली बहुत परफेक्ट बोला इसने. ना ही स्टफिंग मैरिनेट को ओवर पावर कर रहा है, ना ही मैरिनेट स्टफिंग को ओवर पावर कर रहा है. हर किसी का टेस्ट अलग अलग आ रहा है. राउंड तो मैं बहुत एंजॉय करने वाला हूँ, इसमें से एक भी पीस किसी को जाने नहीं दूंगा. मेरे को दो ही पीस मिले हैं वेज वाले. सो गाइज आई एम गोना एंजॉय दिस. ये मेरा अब तक का फेवरेट है, लास्ट राउंड है, लेकिन इट वॉज ग्रेट. डू कम ओवर योर. मैं रिकमेंड करूंगा मलाई मोमो ट्राई कीजिए.
सो गाइज आफ्टर 4 राउंड आई एम सुपर सेटिस्फाइड. एक्चुअली पेट भर गया, मन नहीं भरा, मैं पार्सल लेके जाने वाला हूँ, बहुत सारे लेके जाने वाला हूँ. सो अब हम बात करेंगे यहाँ के छोटे शेड से, जो कि यहाँ के छोटे ओनर हैं, जूनियर ओनर. तो छोटे शेड, आपका नाम क्या है? बट द ओनर, नॉट जूनियर ओनर. अच्छा, ओके. अच्छा, ओनर ये हैं, लेकिन ये जो है ना, डैडीज मोमोज, तो डैडी बैठे हैं वहां पर. तो अभी मुझे पता चला कि नाम का फंडा क्या है. सो ये डैडी के मोमोज हैं. ये जगह कितने साल से है? फोर्थ ईयर चल रहा है मेरा, फोर्थ ईयर चल रहा है. ओके, 4 साल से ये जगह विरार में थी, लेकिन मुझे कानो कान खबर नहीं पड़ी. इतने अच्छे मोमोज मिलते हैं, कैसे खबर नहीं पड़ी ये अलग बात है. जब से शुरू किया, ये 4 मोमोज पहले से थे? नहीं, स्टार्टिंग में सिर्फ स्टीम और रेड कलर के तंदूर थे, उसके बाद येल्लो आया, फिर मलाई आया. ओके, आप लोग यहाँ पे चीज मोमोज भी देते हैं, तो चीज आप ऊपर से डालते हैं? ऊपर से डाला ना चीज, तो क्या होता है वो फील, वो टेस्ट नहीं आता, वो फील नहीं होता. वो क्या पिज्जा वगैरह में भी जैसे मिलता ना, बस वैसे ही हमें फील देना था कस्टमर. कस्टमर को फील देना था, लेकिन वो फील आज मैंने मिस कर दिया, क्योंकि सबको पता है कि जहाँ पे चीज वाली कोई डिश मिले और चीज मैं ना खाऊं, ऐसा आज पहली बार हुआ है. और पहली बार मुझे मोमोज कहीं पे अच्छे लगे, ऑनेस्टली बोलूंगा. बहुत जगह पे मैंने मोमो खाए, बिल्कुल फ्लैट, मतलब उसमें सोया चंक के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला. तो आज मोमोज मेरी लिस्ट में आ गए हैं, थैंक यू सो मच. यहाँ पे बिकने वाले सबसे सबसे ज्यादा कौन सा कैटेगरी है? तंदूर कैटेगरी. तंदूर में सबसे ज्यादा, मोस्ट प्रोबेबली स्टीम में 15 प्लेट्स, नॉट मोर देन इट. लेकिन अभी चिकन का ही बात कर रहे तो एक दिन में 150 आते हैं चिकन, 150 प्लेट्स, उसमें से सिर्फ 15 जाते हैं और बाकी का पूरा लॉट जो होता है तंदूर में जाता है. तंदूर में कौन सा वाला, रेड येलो मिक्स? अभी ऐसे देखने का तो मलाई अभी जो वाइट वाला है वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो सबसे ज्यादा अभी रेड जाते हैं, और मलाई रिसेंटली स्टार्ट होकर अभी वो रेड को थोड़ा बहुत कॉम्पिटिट कर रहा है. मलाई कॉम्पीट ना करे ये तो हो ही नहीं सकता, अभी अभी शुरू हुआ है. लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई आ रहा है तो तू उनको बता कि ये शुरू किया है, क्योंकि वो फाड़ने वाला है. मलाई मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं तो बोलूंगा भाई, पब्लिक को भेजने वाला हूँ मैं यहाँ पे कि जाओ यहाँ पे और मलाई वाला ट्राई करो. तो बहुत मजा आया. ऐसा कुछ है जो शायद मैंने पूछने में रह गया और तू बताना चाहेगा कि हाँ तेरी स्पेशलिटी है ऐसा कुछ? मलाई वंजस, मलाई एंड तंदूर रेड वन. तू सारे मोमोज घर पे बनाता है? कौन बनाता है, तू पर्सनली या फिर तुम्हारी कोई सीक्रेट रेसिपी है कि कौन बनाता है? रेसिपी है, लेकिन वो कुक है हमारा एक. अच्छा, मतलब ब्रदर है मेरा. अच्छा, तो वो बनाता है. सो गाइज यहाँ पे जरूर आइए, ये बेस्ट मोमो प्लेस है इन विरार, मैं कहूँगा पूरे विरार में बेस्ट मोमो प्लेस है, जरूर आइएगा. और मलाई वाला ट्राई कीजिए, खाइए सब, लेकिन मलाई वाला बिल्कुल भूलना नहीं, लास्ट में खाना. मलाई वाला अगर आप पहले खा लेंगे ना तो आपको बाकी के कम पसंद आएंगे, क्योंकि वो बाप है. ठीक है, सो जरूर आइएगा, थैंक यू सो मच. और मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जरूर आइएगा. सो अब बारी आती है थैंक यू बोलने के बाद. थैंक यू ऐसे मैं रूखा सूखा नहीं बोलूंगा, सबको पता है कि एक प्लेट मुंबई की तरफ से एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, हमारी तरफ से एक थैंक यू. सो गाइस आज का एक्सपीरियंस सीरियसली खतरनाक था, कैसे लगे मोमोज? बहुत अच्छे, बहुत यूनिक, और हर एक का लेवल एक के ऊपर एक आ रहा था. अच्छा, थोड़ा सा वेज के बारे में बता, कैसे लगे वेज मोमोज? एक्चुअली वेज क्या, देखो आप चिकन खाते हो तो सिर्फ आपको चिकन का टेस्ट मिलता है, बट यहाँ पे आओगे आपको वेज के साथ वेज का वो फ्लेवर मिलेगा, और ऐसा लगेगा कि आप कुछ खा रहे हो. हर सब्जी का फ्लेवर अच्छे से आ रहा था. सो गाइज यहाँ जरूर आइए. yes. मेरे साथ यहाँ पर आने के लिए, खाने के लिए, कंपनी देने के लिए थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा साथ में खा के, थैंक्स फॉर द कंपनी. सो गाइज एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मोमोज और भी ज्यादा अच्छे थे. जब भी मैं विरार आ रहा हूँ मैं पक्का यहाँ पे खाने वाला हूँ. आप भी जरूर आइए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, यहाँ पर जरूर खाइए और एंजॉय कीजिए एक प्लेट मुंबई. सो गाइज